हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं झटपट से बनने वाली एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आराम से आप फरवरी में कभी भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इवनिंग स्नैक्स में भी इसे यूज कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी इसे खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है कॉर्न सैंडविच। बहुत ही टेस्टी लगता है ये फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप चाहे तो इसे तवा या ओवन में बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद भी ये खराब नहीं लगता, बहुत ही टेस्टी दिखता है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। ये सैंडविच बनाने के लिए हम ले रहे हैं कॉर्न। तो मैंने कॉर्न को बॉइल कर लिया है फ्रेंड्स, हल्दी और नमक के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 बड़े चम्मच कॉर्न ले लिया है, बॉइल कॉर्न। और फ्रेंड्स, इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल चॉप किए हुए, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने पनीर को कट कर लिया है। तो ये 2 चम्मच पनीर मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। थोड़ा सा प्याज डाल रहे हैं, प्याज को भी मैंने फ्रेंड्स बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा काला नमक। तो मैं काला नमक यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट यूज कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब फ्रेंड्स, इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मेयोनीज। अब फ्रेंड्स, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज। अब फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ले लिया है एक ब्रेड, तो मैंने व्हीट ब्रेड लिया, जो भी ब्रेड खाते हैं वो ले ले। अब इस पे लगा देंगे ये बटर। अब फ्रेंड्स, ये कॉर्न स्प्रेड इस पे फैला देंगे। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर डाल देंगे बहुत सारा चीज। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ऑरेगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब फ्रेंड्स, एक तवा ले लिया है और उस पे डाल रहे हैं थोड़ा सा बटर और इस पर इस सैंडविच को रख देंगे फ्रेंड्स। और 5 मिनट्स के लिए फ्रेंड्स इसे ढककर पकने देंगे। फ्रेंड्स, आप इसे ओवन में बना सकते हैं, इसको 10 मिनट के लिए ओवन में बेक कर ले 175 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखिए हमारा कॉर्न सैंडविच बिल्कुल रेडी है। ये फ्रेंड्स इसे निकाल लेते हैं। इसे हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी डिलीशियस कॉर्न सैंडविच बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।